This call is now being recorded. Okay, so let us start with the revision first. What we have done, we have done the subnetting of the class C IP address. As you can see, where is the class C IP address? This is one 197.10.10. I hope that I am audible clearly and my page is also visible. Someone please reply. Yes, yes, sir. Okay, thank you so much. Uh, actually कंफर्मेशन हो जाए तो अच्छी अच्छी बात है ठीक है पकड़ना बहुत भारी पड़ रहा है चलो तो ठीक है लास्ट है सो वी हैव आईपी एड्रेस दैट इज 197 10 10 0 ओके सो इट इट बिलोंग्स टू क्लास सी आईपी एड्रेस एज यू नो बिकॉज़ 197 कम्स अंडर द रेंज दैट इज 192 टू 223

अगर इन 8 16 एंड 24 के अलावा यू इफ यू इफ यू विल फाइंड एनी नंबर लाइक नाइन मिल गया आपको 21 मिल गया 18 मिल गया ठीक है सो यू विल अंडरस्टैंड दैट के द सबनेटिंग इज डन फॉर दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ओके ये नेटवर्क की सबनेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है सो दैट्स अ सीआईडीआर रिप्रेजेंटेशन क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग एंड व्हाट डस द स्लैश 8 स्लैश 16 एंड स्लैश 24 इंडिकेट इट इंडिकेट दैट हाउ मेनी बिट्स आर ऑन द नेटवर्क ओके रिमेंबर what does this cidr value represent this cidr value represent the number of bits which are present in the network component okay so if you will find देखो यहां पर आपका है 197 10 10 0 Okay और slash है 24 तो so स्लैश 24 ये तो आपकी default value हो गई as you can see for the class c ip address okay so slash 24 indicate that in this particular ip address uh, you know 24 bits are

राइट उसके बाद विल सर्च फॉर द नंबर ऑफ यू नो विल सर्च फॉर द नेटवर्क विच हैज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ओके सो हमारे पास यहाँ पर कितने सारे देखो है हमारे पास में नेटवर्क नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव आपको बताया मैंने दो राउटर के बीच में भी आपको एक नेटवर्क लगेगा एक एड्रेस लगेगा ठीक है

सो so, हम लोग ने सर्च कर लिया तो हम लोग को मिल गया so, okay? we'll तो आपको लगती है. अच्छा यहाँ पर ओनली कंप्यूटर्स है इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर क्लास ए आई पी एड्रेस विल सी हमें रिक्वायरमेंट है थाउजेंड कंप्यूटर्स का ओके शाहरुख निशाद ये क्वेश्चन पूछा था सर, अगर वैल्यू ज्यादा होंगी और यहाँ पर अगर मतलब सेटिसफाई नहीं हो तो सो so, सेटिसफाई आराम से हो जाएंगी यहाँ पर अगर यहाँ पर है हमारा फोर्टी तो ये एनिकुल वैल्यू से ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाई है ठीक है तो दैट कि आपके जो होस्ट बिट है जो आपने होस्ट बिट यहाँ पे निकाले हैं तो होस्ट बिट में आपके सिक्स बिट आप स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड ओके एंड सिक्स बिट को आप होस्ट के लिए छोड़ देंगे छः बिट को होस्ट के लिए छोड़ देंगे अब बचे आठ में से छः गए बचे दो एक सेकेंड हाँ आप लोग ज़रा दो मिनट मैं अब वापस आता हूँ ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बट एक्चुअली द केटी एग्जामिनेशन फॉर द फाइन ईयर स्टूडेंट्स आर स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, दैट इज फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ और उसी के रिगार्ड्स में कॉल आते रहते सो एम आई एम कंटिन्यूइंग ठीक है जहां पे हम लोग ने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करे सो ये वी गॉट द वैल्यू एनिक्वल टू सो वॉट वी हैव डन वी हैव लेफ्ट दिक्कस बिट फॉर द होस्ट पार्ट

ओके okay, बट यहाँ पर अब क्या है अब यहां पर इसका डिफ़ॉल्ट जाएगा 26. आपको पता है क्योंकि हम लोग ने दो बिट वी हैव बोरोड बिट्स फ्रॉम द होस्ट पार्ट ओके हम लोग ने होस्ट की तरफ से दो बिट बोरो किए हैं इसके लिए जो सी आई डी आर वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगी एंड इट बिकम्स नाउ ट्वेंटी सिक्स ओके अब ये हो गई okay? को ट्वेंटी हो चुकी है तो इसके छोटे छोटे हम लोग ने पार्ट्स जब बनाए सो कितने कितने के बनाना है आपको बोलते हैं ना भाई पैकेट कितने का होना चाहिए या फिर आपका एक बॉक्स में कितने पीसेस होना चाहिए तो वैसे ही आपके एक सबनेट में कितने आपको आईपी एड्रेस देना है ठीक है so बाय जस्ट एग्जामिंग दिस वन ठीक है जहाँ से आपने जिस जो आपका वेरी फर्स्ट है मतलब वेरी फर्स्ट बोलेंगे तो सबसे लास्ट है आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जो सब जो अगर कुछ लाइन में सब लोग जा रहे हैं तो जो लास्ट वाला है वही मतलब उसको ही आप इंट्रैक्ट कर पाओगे तो वैसे ही आपका ये बंदा है जो कि आपका यहाँ से नेटवर्क कंपोनेंट स्टार्ट होता है ले जो आपका वन है यहाँ से देखो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ठीक है

सो so, हमारा पहला सबनेट का जो फर्स्ट रहेगा वो तो दैट इज वन नाइन सेवन टेन टेन जीरो जीरो से स्टार्ट किए ठीक है मैं आपको एक अलग पेज पे बताता हूँ सो so, दैट आपको और समझ जाएगा अच्छे से <clears throat> दो मिनट ओके okay. मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइडिया भी देते जाता हूँ ठीक है तो ये रहा है आपके सबनेट वन ठीक है सबनेट वन बना तो चलो मेरा ये जो पूरा नेटवर्क था ठीक है आप लोग डायग्राम भी देखते जाओ समझ में आते जाएगा आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा ये आपका आई एड्रेस था वन क्या था लास्ट में इसके लास्ट में कुछ नहीं था ज़ीरो था ठीक है सो so, ये आपका था आई पी एड्रेस आपने इसकी सबनेटिंग की ठीक है सबनेटिंग करने के बाद में क्या किया आपने इसको पार्ट में डिवाइड किए तो चलो पहला पार्ट हो गया आपका इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया पहले पार्ट में ठीक है ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका इसके अंदर जो फर्स्ट आई पी एड्रेस रहेगा वो क्या रहेगा वन नाइनटी सेवन डॉट टेन डॉट टेन डॉट जीरो ठीक है स्लैश ट्वेंटी सिक्स बिकॉज इसकी सबनेटिंग हो चुकी है ये आपका पहला वाला आई पी एड्रेस दूसरा वाला आई पी एड्रेस क्या रहेगा वन नाइनटी सेवन डॉट टेन डॉट टेन जोट वन ओके स्लैश ट्वेंटी सिक्स ऐसे आप जाते जाएंगे जाते जाएंगे तो आपको कहाँ तक जाएंगे आप आपका इस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर दिस इज सबनेट नंबर वन दिस इज सबनेट नंबर वन दिस इज सबनेट नंबर वन ओके इसका जो लास्ट आई पी रहेगा इसका लास्ट आई पी जो रहेगा सबसे लास्ट वो कौन सा रहेगा वन नाइन्टी सेवन डॉट बोलो वन नाइन्टी सेवन डॉट टेन डॉट टेन डॉट क्या रहेगा सिक्सटी थ्री यहाँ पे आएगा सिक्सटी थ्री क्योंकि आप सिक्सटी फोर का बना रहे जीरो से स्टार्ट किए सिक्सटी थ्री पे लेकर गए ओके ये हो गया आपका लास्ट फिर बनेगा आपका सबनेट नंबर टू अब सबनेट नंबर टू कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग वन नाइनटी सेवन डॉट टेन डॉट टेन डॉट सिक्सटी फोर बिकॉज हम दो, हम लोग ने ऑलरेडी बना के रखा है ये आपका जीरो सॉरी वन ट्वेंटी एट वन नाइनटी टू फिर आपने और सिक्सटी फोर करने की कोशिश किए थे ये बन गया था टू फिफ्टी सिक्स जो कि अलाउड नहीं है ठीक है तो वैसे आपका ये सब बनेगा सेकेंड सबनेट बना फिर तो आपका थर्ड सबनेट बना सबनेट नंबर थ्री एंड दिस इज सबनेट नंबर फोर ठीक है तो ये आपके सबनेट बन जाएंगे चार ओके तो ये हम लोग ने देखा था कल तक अभी देखते हैं हम लोग आगे इसके आगे देखते हैं ठीक है uh, <coughs>

ओके सो एज यू कैन सी वी हैव अ रिक्वायरमेंट नाउ अच्छा ये मैंने ऐसा एग्जांपल लिया हूँ सो दैट शाहरुख का भी थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा और अमान अमान को भी थोड़ा सा या क्लास ए के सबनेट मिल जाएंगी ठीक है तो क्लास ए के अंदर थोड़ा सा ट्रेके होता है आगे चल के आप लोग खुद इसको फील भी करेंगे ओके स्टार्ट नाउ इमेजिन दिस इज द नेटवर्क ओके

1024 सिस्टम मैंने 512 सिस्टम मैंने को 512 नंबर ऑफ सिस्टम 32 64 16 ऐसे मैंने लिया हूँ सो so, ये भी हम लोग एक बार देखेंगे तो so, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं ठीक है ये बेसिकली आपका क्लास ए आईपी एड्रेस है ट्वेल्व डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो ओके सो ये आपका क्लास ए आईपी एड्रेस है इसके अभी हम लोग सबनेटिंग करने वाले हैं ठीक है आपको पता है एज यू नो दैट हाउ मेनी बिड्स इन द्लास ए बिलोंग्स टू नेटवर्क कंपोनेट एंड हाउ मेनी बिड्स बिलोंग्स टू होस्ट कम्पोनेट सो यू नो दैट का यहाँ से डिवाइड होता है ये आपका नेटवर्क कंपोनेट uh, है या आपका होस्ट कंपोनेंट है राइट राइट ओनली एट बेड्स बिलोंग टू द नेटवर्क कंपोनेट एंड रिमेनिंग ट्वेंटी फोर बेड्स बिलोंग टू द होस्ट कंपोनेट अकॉर्डिंग टू द क्लास ए आई पी एड्रेस करेक्ट ओके चलो अब आपको रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गया है वट आर द रिक्वायरमेंट सो दिज आर द रिक्वायरमेंट सिक्सटी ट्वेंटी एंड टेन एंड फोर्टीन इतना रिक्वायरमेंट है ठीक है एंड आउट ऑफ दिसव नेटवर्क वन टू थ्री फोर एंड दिस इज वन फाइव तो हम लोग इसको भूल ही गए ये आपका फिफ्थ नेटवर्क है बिकॉज दो राउटर के बीच में ना तो इसको भी नेटवर्क एक लगेगा इसको तो so हम जो हमारा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर इतने इतने सारे नेटवर्क चाहिए ठीक है उस नेटवर्क के अंदर हमको कितने चाहिए नंबर ऑफ होस्ट चाहिए नी नेटवर्क आर रिक्वाड इज फाई पी एड्रेस हम लोग इसी आई पी एड्रेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे इन पांचों नेटवर्को इन पांचों नेटवर्क के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे okay. चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका आई पी एड्रेस ले लिया ट्वेल्व जीरो 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 एज यू नो आपका जो फर्स्ट ऑक्टेड इट बिलोंग्स टू द नेटवर्क कम्पोनेट एंड दिमेनिंग थ्री ऑक्टेड बिलोंग्स टू द होनेट सो वॉट वीव डन वीव कन्वर्टेड इन टू दाइनरी

टेन एंड फोर्टी तो इसमें 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 और इसमें तो विच इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट विच इज द हायर रिक्वायरमेंट द दिक्सटी इज द दाइस्ट रिक्वायरमेंट ठीक है एज फॉर पर हमारी एफिशियंसी के लिए हम लोग पकड़ के चल रहे हैं ठीक है सो वी हैव अ मैक्सिमम रिक्वायरमेंट सिक्सटी ओके वहां पर फोर्टी था ठीक है आगे चलते हैं <coughs> तो जैसे हम लोगों ने पिछले इसमें प्रोसीजर में किया था वी हैव अ नेक्स्ट स्टेप है फोर्टी okay? so, 6, uh, 6 था, तो था, तो था यहाँ पर सिक्सटी है तो ये भी आपका एनिक्वल से काम हो जाएगा ठीक है सो आईव गॉट दू सिक्स सो अगेन आप, आप इमेजिन कर लो कि आपका जो एनिक्वल है इसमें क्या होने वाला है आपका जो होस्ट कॉम्पोनेट है देखो पूरा का पूरा आपका होस्ट है ये पूरा आपका होस्ट है अभी फिलहाल होस्ट है थोड़ा फोकस करो आप लोग एकदम इजी है बहुत सिंपल है बस इतना है कि आप थोड़ा सा पे फोकस करो। अब क्या बोला गया हम लोग को कि भाई जो आपके होस्ट के कितने बिट है टोटल ट्वेंटी फोर बिट्स है होस्ट के बिट है ट्वेंटी फोर और एन की वैल्यू आई है सिक्स इसका मतलब आप क्या करो इसका मतलब आप ये करो कि आप छे बिट छे बिट होस्ट के लिए छोड़ दो

अब मैं देखो आप यहीं यही पे यही स्टेज पे रह के आप लोग इसका सीआईडी आर वैल्यू मुझे बता सकते हो जो हम लोग ने 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 जो 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 हम 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 लोग 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 नेट होस्ट की बिट बोरो करके नेटवर्क को दिए हैं तो आप आप मुझे बताएंगे कि इसकी सी आई डी आर वैल्यू कितनी रहने वाली है बोलो सिक्सटीन रॉन्ग आगे बोलो और ट्वेंटी सिक्स रॉन्ग आगे बोलो ध्यान से देखो एकदम ध्यान से देखिए इस फिगर को इस डायग्राम को और बताइए मुझे कि इसकी सी वैल्यू कितनी रहने वाली है सलवा ओमकार यू ऑल कैन ट्राई साकिब एट इन रॉन्ग इसकी सी वैल्यू कितनी रहने वाली है बहुत सिंपल है क्वेश्चन आपके सामने है आंसर भी आपके सामने रॉन्ग एट 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 भी रॉन्ग ट्वेंटी सिक्स भी रॉन्ग एक सेकेंड है एक सेकेंड uh, हाँ हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड रुको रुको मैं देखा नहीं एक्चुअली ये आंसर किसने किया था एक सेकेंड मैं देख लेता तो हूँ पहले आंसर किस, किस किस के हैं हाँ शाहिद राजा द राइट आंसर इज ट्वेंटी सिक्स राइट आंसर इज ट्वेंटी सिक्स और किसने किया ट्वेंटी सिक्स किसने बोला अमान काजी राइट द आंसर इज ट्वेंटी सिक्स करेक्ट मैं एक्चुअली कुछ और सोच रहा था इसके लिए मैं आंसर देख नहीं पाया सॉरी hmm, आपको समझ में आया क्यों देखो एट तो ये बिट है जो कि नेटवर्क में आ चुके हैं एट बिट ये भी नेटवर्क में पलटी हो चुके हैं और ये दो बिट नेटवर्क में पलटी हो गए कितने हो गए एट एट सिक्सटीन प्लस टू एटीन और आपके तो ये एट बिट ऑलरेडी नेटवर्क में है ना वो डेसिमल में लिखे हुए इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहे तो ये भी आपके एट बिट है ठीक है सो एट अभी यहाँ मैंने इसलिए जानबूझ के लिए एट लिखा नहीं ताकि आपको थोड़ा सा सोचने का मौका मिले सो एट प्लस एट प्लस एट

तो उनको फिर आपको तो व्हाइट कॉलर पहनाना भी पड़ेगी तो ये सारे जितने भी जीरो है यहाँ तक यहाँ तक जितने भी जीरो है तो उनको क्या करना पड़ेगा आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा वन में बिकॉज़ यू नो दैट द नेटवर्क बिट आर इंडिकेटेड सिक्स हो गया काम आपका कितना सिंपल था बोलो चलो नहीं सिंपल नहीं अभी थोड़े पिक्चर बाकी है अमन अभी हम लोग को सबनेट बनाना है ना सबनेट बनाने में थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाना अगर आपने वहाँ दिमाग लगा लिया तो आप फिर सबनेटिंग आराम से कर सकते हैं ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं अ सो वी हैव गॉट दिस वैल्यू दैट इज 12.8 टाइम्स 1 8 टाइम्स 1 एंड 11 6 टाइम्स 0 ओके नाउ विल नाउ विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द डेसिमल सो 12. ये आपका ऑल वन टू फिफ्टी फाइव है ऑल वन टू फिफ्टी फाइव है और वन वन सिक्स टाइम जीरो इट बिकम्स पता है कैसे निकालना है आपको तो मालूम है कैसे निकालना रहता है इसको कभी भी ये वैल्यू आपकी वन चलो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ वापस एक बार रिविजन हो जाएगा वन है टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्स फोर वन ट्वेंटी एट ठीक है मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा हूँ आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए एंड यहाँ पर आपकी ये दो वैल्यू दो वैल्यू आपकी वन है इसका मतलब आप दोनों को इसको ऐड करना है तो वन ट्वेंटी तो चलो <coughs> अभी हम लोग क्या करेंगे सबनेट मास बनाएंगे ठीक है सबनेट मास्क हम लोग बनाएंगे तो सॉरी सबनेट मास बोल रहा हूँ तो सबसे पहला सबनेट ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा हूँ सबनेट आई डी Subnet ID. Subnet ID obviously ये रहती। देखो मैंने आपको इसके लिए डायग्राम बना के भी बताया था फॉर एग्जाम्पल ये प्रीवियस एग्जाम्पल में जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस इन द प्रीस एग्जाम्पल वी है शॉर्ट में सबनेट बोलते हैं बट एक्चुअली uh, वो है सब नेटवर्क ओके एक बड़े नेटवर्क के सब नेटवर्क है

वो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी मतलब बेसिकली लास्ट लास्ट और और आपका फर्स्ट को हम लोग यूज नहीं करते हैं बाकी वाले को यूज करते हैं अंदर रहते हैं ठीक है तो आपके जो बेसिकली यहाँ पर है आपका, ID, sorry, आपका, 1, आपका जो सबनेट ट्वेल्व रहेगा वो जीरो से, से चलो स्टार्ट किया लोग ने, ने पहले लिखे ओके एंड ये आपका स्लैश एट स्लैश सिक्सटीन स्लैश ट्वेंटी फोर में से नहीं है इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की क्या हो गई है सबनेटिंग हो गई है ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं सबनेट टू बनाते हैं तो सबनेट टू मैंने यहाँ पर बनाया हूँ ट्वेल्व जीरो जीरो हाउ यूल कम टू नो दैट के आगे की जो सबनेट है आपका वो सिक्सटी फोर से स्टार्ट होगा क्योंकि हम लोग को पता है ये जो आपका वैल्यू है ट्वेल्व ऑल जीरो ऑल जीरो वन वन जीरो इसमें कौन सा बिट कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका नेटवर्क आपका नेट आपका नेटवर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो इसको अगर मैं ऐसा कर दू ठीक है तो ये आपका होस्ट पार्ट हो गया और यहाँ से आपका नेटवर्क तो जहां से बॉर्डर शुरू होती है तो उसका जो नंबर है आपका ये जो आपका नंबर है टू एस टू सिक्स ये आपका सिक्सटी फोर आता है जैसे हम लोग ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था ठीक है अगले अगले एग्जांपल में थिंग्स आर गोइंग टू चेंज उसमें आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सो so, ये आपका 64 आ गया इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हर सबनेट आपका हर जो सबनेट बनाएंगे वो 64 का बनाएंगे तो चलो यहाँ पर आपका सेकंड सबनेट जो स्टार्ट होगा उसकी जो आईडी रहेगी वो रहेगी ओके सबनेट थर्ड बनाएंगे तो आपका थर्ड सबनेट ट्वेल्व जीरो जीरो वन ट्वेंटी एट राइट ये हम लोगों ने पिछले इसमें किए थे उसके बाद में आपकी सबनेट नंबर फोर टूवेल्व जीरो जीरो वन नाइनटी टू ठीक है ये भी है अब आप किसके आगे और आईडी बनाएंगे तो ट्वेल्व जीरो फेंक दिए थे अब आगे जो है ना आपको देखो क्लास ए और क्लास सी के अंदर जो आपको मेन डिफरेंस दिखेगा वो अब दिखेगा ठीक है अब जरा डिफरेंस ध्यान से देखना एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं मैं सबसे पहले ऐसा क्यों हो गया भाई अच्छा अभी कितना बज रहा है चलो एक फोर फोर मतलब चार बजकर फिफ्टी नाइन मिनट्स ओके चार बजकर फिफ्टी नाइन मिनट्स इसके बाद में क्या होता है बताओ मुझे इसके बाद में क्या आता है ऐसा आता है चार बजकर साठ मिनट ऐसा होता है टाइम आप लोग का ऐसा नहीं दिखाएगा टाइम बल्कि क्या दिखाएगा आप लोग को ये वैल्यू आपकी जो जाए हो जाएंगी ये वैल्यू आपकी आगे एक इंक्रीमेंट हो जाएगी तो ये वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होके फाइव हो गई और ये फिफ्टी नाइन क्या हो जाएगा आपका जीरो 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 लिखते नहीं है डायरेक्टली क्या हो जाएगा फिफ्टी वन के बाद में आपका सॉरी हाँ ये तो जीरो जीरो होगा उसके बाद में फिर ये वैल्यू वापस से आपके स्टार्ट तक चलेंगे बिकॉज यू हैव सेकेंड एंड यू हैव मिनट तो दोनों आपका सिक्सटी सिक्सटी तक जाएगा ठीक है तो ये 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 कॉन्सेप्ट बहुत हम लोग को अच्छे से पता है कि भाई 459 होने के बाद में 460 सिक्सटी नहीं दिखाता है बल्कि 5 ये ई वैल्यू इंक्रीमेंट होती है वही कुछ कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी होने वाला है ठीक है तरह ध्यान से देखना सो so, आपका जो आपका जो सबनेट फाइव है सबनेट फाइव तो देखो होंगे रेडी लेकिन सबनेट फाइव बिकॉज देखो ना हमारे पास में काफी अच्छा खासा स्कोप है ठीक है हम लोग ने काफी सारे बेट्स हो से हम लोग ने छीन लिए हैं काफी सारे बेट हम लोगों ने होस्ट से छीन लिए हालांकि उसने बोरो की है लेकिन मैं बोलता हूँ के के तो वैल्यू आ नहीं सकती इसके लिए अगर हम लोग ऐसे नहीं बना सकते तो जरा मुझे ईमानदारी से बताओ कि यहाँ टू फिफ्टी सिक्स जब नहीं हो सकता तो फिर कौन सी वैल्यू चेंज होगी आपकी जरा मुझे मैसेज में टाइप करके बताओ .0 .0. Very good, very good. चलो मैं expect कर रहा था आप आप को को बस यही यही चीज समझाना थी वो चीज़ आप लोग समझ गए ठीक है तो हमारा subnet 5, मैंने लिख के रखा हूँ यहाँ पर ऑलरेडी वेस्ट ना हो तो हमारा सबनेट फाइव जो बनेगा वो ट्वेल्व जीरो अब आपकी ये वैल्यू चेंज हो गई वन हो गई बिकॉज आप लोग टू फिफ्टी फाइव के आगे नहीं जा सकते तो वन डॉट जीरो बिकम्स दी नेक्स्ट सबनेट ठीक है इसके आगे फिर एस सिक्स आपका सबनेट सिक्स बनेगा टीरो फिर कहानी वही हमारी शुरू होगी ये हो गया 64 से फिर ये जाएगा तो, तो 128 तक देन 192 देन उसके बाद में 256 जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है जब नहीं पॉसिबल है तो फिर वापस से क्या ये वाली, वाली वैल्यू इंक्रीमेंट होगी सो so, वन का क्या हो जाएगा अरे बोलो क्या हो जाएगा टू तो हो जाएगा ठीक है टू डॉट जीरो एंड देन अगेन कहानी घर घर की शुरू हो जाएंगी और आपका फिर ये वैल्यू आपकी टू हुई ठीक है ऐसे ही फिर ये टू फिफ्टी फाइव तक जाएगा और फिर ये टू के बजाय हो जाएगा थ्री फिर ये हो जाएगा फोर फिर हो जाएगा फाइव फिर हो जाएगा सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये होने के बाद में कहाँ जाएगा? अरे बोलो कहाँ जाएगा टू फिफ्टी फाइव तक चला जाएगा टू फिफ्टी फाइव तक जाने के बाद टू फिफ्टी फाइव तक जाने के बाद वापस से बारी किसकी आएंगी आपके सेकेंड वाले ऑप्टेट किया फिर ये वन की कहानी शुरू हो जाएंगी फिर ये वेरी गुड तो आपका one, two, three, four, शुरू हो हो जाएगा 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 और ये तक मतलब क्या हो जाएगा? मैंने एक क्वेश्चन लिखा हूँ अब सब लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे ठीक है तो ये ये आपके इतने सारे सबनेट बनेंगे और बनने के बाद में अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ सब लोग को मैं चाहता हूँ सब लोग इसका आंसर आंसर लिखो वॉट विल बी द लास्ट सबनेट लास्ट सबनेट कौन सा रहेगा मुझे बताऊ बोलो जल्दी से फटाफट फड़ बोलो वेरी गुड वेरी गुड नहीं शिफा 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 शिफा, शिफा। आ, देखो मैं कमेंट्स में क्या है ट्वेल्ल सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर नहीं ट्वेल्व सिक्सटी फोर कहाँ से हैं? वो तो टू फिफ्टी तक जा सकते हैं ना हाँ हाँ टू फिफ्टी फोर गड बताता हूँ आप लोग को मैंने कहीं तो लिख के रखा था मेरा लास्ट सबनेट जरा पेज पर देखो और कहीं तो इसका आंसर जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द लास्ट सबनेट व्हाट विल बी द लास्ट सबनेट आप श्रुति ने राइट आंसर की है आप लोगों को आंसर नजर आ गया लगता इस पूरे पेज में आंसर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है आपका जो लास्ट सबनेट रहेगा ना यस 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 गॉट इट गॉट इट गॉट सो इट विल बी लास्ट सबनेट ठीक है ये आपका हो जाएगा so, 12, 255, तो ट्वेल्व टू फिफ्टी फाइव ऑक्टेट नंबर टू ऑक्टेट नंबर थ्री ये आपके टू फिफ्टी फाइव तक भागेंगे बट ये आपका वन नाइन टू तक ही चलेगा ठीक है अच्छा इसको इसको हम लोग चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं चलो इसका आंसर करो इसको हम लोग चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं ट्वेल्व को चेंज क्यों नहीं कर रहे ट मी फास्ट नेटवर्क पार्ट अगर आपनेटवर्क के साथ में छेड़खानी किए तो आपका नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा और जब नेटवर्क चेंज तो फिर भाई तो कोई बात ही नहीं फिर तो फिर तो पूरा कॉन्सेप्ट ठीक है सो दिस पार्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज द ओनली ऑन ओनली ये वाला पार्ट चेंज उसके अंदर भी जो वाला आपका ये है तो ये वाला तो ऑलरेडी आपने बड़ी मुश्किलों से मन्नत समत करके वहां से आपने चोरी किए थे और इसको आपने प्रोवाइड किए थे चलो ठीक है आगे आगे बढ़ते हैं ये वाला आई होप अमान क्लास ए का हो गया अभी एक और छोटा सा हम लोग एक एक एग्जांपल है मेरे पास में जिसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट हमारे पास में है पाँच दस पाँच मिनट तो और हम लोग ले सकते हैं तो उसके अंदर मैं आप लोग को ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है अरे भाई ठीक है समझ में आ रहा है आप लोग को ओके? चलो इसी बात पर आगे चलते हैं फटाफट सो जस्ट कंसिडर दिस वाला पार्ट दिस इज थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है लेकिन मतलब हालांकि सेम चीज है लेकिन मैं 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 चाहता हूँ आप लोग uh, ज़्यादा के साथ में इसको समझें, ठीक है सो यू है देखो टू राउटर्स मैंने सेम सिचुएशन लिया हूँ यू हैव टू राउटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर ओके यू हैव वन नेटवर्क नंबर वन 16 कंप्यूटर्स

we have network number 5 which has a requirement of 5 to computers maine likha hu thoda sa aap log ko shay samajh mein na aaye so it is actually 512 that is 5 to uh, number of ip addresses are required in a number of computers ko ip addresses required hai okay you have okay, network 5 network and you have a sixth network over here theek hai between two routers okay चलो आगे बढ़ते हैं so, हम लोग same IP address ले लेते हैं class A के interesting रहेगा ज्यादा requirement है class A है ठीक है तो so, ये रहा आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस एज यू नो दैट दिस पार्ट बिलोंग्स टू द नेटवर्क पार्ट एंड ये वाला जो पार्ट है आपका होस्ट पार्ट है ओके okay, ये क्लियर है सबसे पहले फटाफट इसको कन्वर्ट कर दो कन्वर्ट करेंगे। सो ट्वेल्व डॉट एट जीरो एट जीरो एट जीरो मैंने पूरा लिखा नहीं हूँ ठीक है लिखते हैं कंडीशन व्हाट इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पाँच मैक्सिमम वन ठीक है फॉरन फॉर्मूला अप्लाई करो फटाफट टूर टू n माइनस सर नाइन जीरो है कहाँ पर अरे भाई छोड़ो उसको कहाँ पर है दो दो चार दो छः दो आठ नौ ठीक है भाई सॉरी ठीक है तो ये आपके एट जीरो आपकी एट जीरो जीरो एट जीरो मैंने लिख दिया हूँ अभी ठीक है सो वन जीरो टू फोर एनिक्वल टू टेन N 10 में काम नहीं होगा मजर देखो मैं वही वही, वही चीज पर आ रहा टू आपका अगर example, 11, अगर फॉर आप टेन लेते हैं तो चलो यहाँ पर हम लोग टेन का भी अरे बोलो कितना जाता है आपको बिकॉज आपको आगे पीछे छोड़ना पड़ता है ठीक है तो माइनस टू कर दिए तो ग्रेट इक्वल टू वन जीरो तो आपका गया 1022, okay, तो आप बन जुगा ये वन जीरो मजर तो ये आपका यही आ, हम लोग गलती करते हैं देखते हैं टूर स्टूडेंट वन जीरो टू फोर हो रहा है तो फटक से हम लोग वैल्यू लेने में बहुत जल्दी कर देते हैं ठीक है यहाँ आपने वैल्यू गलत चूज किए और वहां आपकी सबनेटिंग गलत हुई ठीक है इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना ठीक है तो आपको एनिक्वल टू इलेवन लेना पड़ेगा एनिक्वल टू इलेवन ठीक है सो टू रेस टू इलेवन माइनस आप पूरा करेंगे तो आपको मिल जाएंगे टू जीरो एंड टू जीरो बड़ा है एनिक्वल टू वैल्यू इलेवन विल बी एक्सेप्टेड फटाफट देखते हैं लास्ट वन लास्ट रिमेनिंग ओके मैंने पूरा उसको कंप्लीट पेज में किया हूँ जस्ट ट्राई टू फोकस डॉट एट जीरो एट जीरो एट जीरो ठीक है अब भाई साहब ने क्या बोले हमको कि जीरो मतलब कि आपका आती है नंबर ऑफ बेट्स आप क्या करेंगे होस्ट के लिए छोड़ देंगे तो ये रहे, अब आपका मतलब जितनी भी हो फ एग्जाम्पल पहले पहले क्या था यहां से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी प्रॉपर्टी होस्ट की थी लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से चोरी कर रहे हैं बोरो कर रहेन इलेवन ठीक है 11, so, left, zeros, okay? so, आप छोड़ दो, तो ये, 8, 9, 10, 11, so, ये वाला हम लोग ने यहाँ से पार्टीशन कर दिया ठीक है अब ये पार्टी तो आपका होस्ट पार्ट ठीक है जो रिमेनिंग आपका है ये बन गया आपका अरे बोलो कितना ये आपका बन गया नेटवर्क पार ठीक है ये आपका नेटवर्क अच्छा बताओ जरा ईमानदारी से मुझे सी आई डी आर वैल्यू अभी फटाफट बताओ नाइनटीन सोच के बताओ ये एट बेट राइट ट्वेंटी वन आएगा ट्वेंटी वन ये एट आएगा ये एट आएगा और ये कितने वन टू थ्री फोर फाइव एट एट सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस फाइव सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन ओके सो सी आई डी आर वैल्यू आपकी आप, आपको अभी पता चल गई ये है ट्वेंटी वन ठीक है सो so, चलो अभी ब्लैक का वाइट करो फटाफट तो जीरो को वन करना है आपको कन्वर्ट फटाफट तो टेल्व डॉट ऑल जीरो को ऑल वन में कन्वर्ट कर दिए उसके बाद में यहाँ पर फाइव जीरो आपके जो फाइव जीरो थे फाइव जीरो को हम लोगों ने फाइव वन में कन्वर्ट किए और ये तीन जीरो को एज इट इज रहने दिए बिकॉज ये होस्ट के होस्ट ही है और ये आपके एट जीरो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में ये आपका कन्वर्ट हो गया ट्वेल्व तो एज इट इज है ये टू फिफ्टी फाइव में हो गया कन्वर्ट ठीक है 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. अच्छा, अब इसको मुझे कन्वर्ट करके बताओ आप लोग एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट ठीक है 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 बोलो कितना आएगा 248 राइट right? 248 आया है कि नहीं हाँ बराबर आया तो मेरे सामने तो आंसर लिखा हुआ है तो चलो फिर भी मैंने आपको एक बार करके बता दिया तो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया ये आ गया आपका 248 एंड दिस इज ऑल जीरो इट मीन दैट द डेसिमल वैल्यू विल बी जीरो सो वी हैव गॉट दिस वन ठीक है ये बन गया आपका लास्ट वाला तो आपको मिल गया एक ट्वेल्व uh,

तो उसके लिए आपको अगेन रिफर करना पड़ेगा कहाँ रिफर करना पड़ेगा जो जहाँ से आपने पार्टीशन किए थे तो पार्टीशन आपका यहाँ से हुआ था ध्यान रहे आपका पार्टीशन यहाँ पे हुआ था और पार्टीशन होने के बाद में जो इमीजिएट आपका जो पहला वाला जो था पहला वाला जो आपका वन था उसकी उसकी वैल्यू कितनी आई थी एट आई थी ठीक है वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर एंड वन ट्वेंटी एट ठीक है तो इसमें आपकी जो वन की वैल्यू थी वो टू एट थी तो हम लोग क्या करेंगे फिर एट एट के बनाना चालू करेंगे फटाफट बना दो सबनेट टू बन जाएंगे आपका ट्वेल्व जीरो एट जीरो इसको आप चेंज करते जाओगे फटाफट चेंज करते जाओगे ये बन गया आपका ट्वेल्व जीरो ट्वेल्व जीरो तो इस तरीके से आप लोग सबनेटिंग कर सकते हैं ये हमारे मैक्सिमम मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट की भी एक वो था कल बात आई थी मेरे दिमाग में आया कि चलो तो कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट लेके करते हैं तो ये हमारे ज़्यादा रिक्वायरमेंट यानी कि अराउंड वन कंप्यूटर्स एंड थर्टी टू कंप्यूटर सिक्सटीन कंप्यूटर्स तो ऐसे थे कुछ तो उसमें हमारा वन जीरो टू फोर ट्वेंटी वन कैसे आया अरे मेरे भाई बताते हैं भैया बताते हैं वापस बताते हैं यहाँ जरा आप ध्यान दो 21 ऐसे आया कि आपने यहाँ पर पार्टीशन कर दिया कैसे क्यों आपने क्यों किया पार्टीशन आपको एन की वैल्यू मिली कितनी मिली जरा बताओ मुझे शाहरुख एन की इलेवन सॉरी एन की वैल्यू है इलेवन ठीक है जब इलेवन मिली तो आप लोग क्या करते हैं इलेवन बिट्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड इलेवन बिट्स यू विल लीव फॉर द नेटवर्क सॉरी फॉर द होस्ट पार्ट ओके तो आपने इलेवन बिट्स आपने होस्ट के लिए छोड़ दिए तो ये आपके रहे एट बिट और के इसके बाद में जो तीन बिट थे इस इस के तीन बिट, सो बिकम्स समझे अभी ना एट प्लस थ्री हाँ, एट, एट हो गया आपका इलेवन ठीक है सो आपने यहाँ से पार्टीशन कर दिए और बाकी बचे एट एट बिट एट बिट और फाइव बिट्स आठ और आठ कितने हो गए तो ऐसे आपका आया ट्वेंटी वन गॉड इट्स शाहरुख ठीक है तो एक सेकंड मुझे साइड में रखने दो सब हाँ 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 फ्यूचर में अगर आप कहीं नेटवर्किंग की इस पर अगर जाते हैं पोस्ट पर अगर लगते हैं कहीं पर उसके लिए इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो सबनेटिंग इज द इज द क्वेश्चन विच इज आस्क यू you नो know, विच इज आस्क बाय एवरीवन ठीक है हर कोई ये क्वेश्चन पूछता है ये सबनेटिंग एक बार करके बताओ भाई तो तो माने तो ये आपका हुआ सबनेटिंग और आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अभी ये सब अभ करेंगे बन, have, you know, हमारे पास में टाइम बहुत कम है इस तरीके से कि अभी सितंबर का ट्वेंटी फिफ्थ आ गया नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हाँ तो हमारे पास में अभी एक्चुअली सितंबर का एंडिंग चल रहा है ट्वेंटी फिफ्थ आ गई है एंड अक्टूबर का एटीन अक्टूबर एटीन ट्वेंटी हम लोग का टर्म एंड है और अभी तक हमारा टेस्ट वन ही नहीं हुआ है ठीक है तो अभी आगे चल के सिचुएशन बहुत यू नो एमरजेंसी वाली सिचुएशन जो लगती है ना एमरजेंसी हालत में कैसे होते हैं वैसे कुछ सिचुएशन होने वाली है सो so, अब देखते हैं कहाँ तक होता है लेकिन हमको थोड़ा अभी टॉपिक भगाना पड़ेगा हमारे ये वाले चैप्टर द फोर्थ चैप्टर के अंदर हमारे कुछ एक दो चार टॉपिक बाकी है इफ विल स्टार्ट विदिथ्थ वन ठीक है जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट उसके बाद में ठीक है सो so, हम लोग करेंगे ट्राई करेंगे फिनिश करने की बट आई थॉट दैट दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ यू नो यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक यू नो वेरी केयरफुली और थोड़ा सा टाइम लगे भी तो चलेगा बिकॉज uh, अगर समझा है चीज़ कुछ तो अच्छा रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा हाँ ठीक है चलो मैं आप लोग को अटेंडेंस देता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक आप लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एम uh, पी का है ना मतलब एम का था मैंने ले लिया अभी आप लोग का एमपी का है एक बार क्लास कोऑर्डिनेटर प्लीज़ आज आमिर सर ओपन कर दिया हूं यू कैन स्टार्ट मार्किंग विद अटेंडेंस thank you रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग स्टॉप नहीं किया मैंने शायद mm -hmm.